अद्भुत, अविस्मरणीय और अत्यंत संभावनाओं से परिपूर्ण यह मानव जीवन और इन संभावनाओं को सार्थकता की चरम सीमा तक पहुंचाने हेतु ईश्वर की अति विशिष्ट रचना यह मानव शरीर। परंतु क्या आप स्वयं को जानते हैं? यदि आप स्वयं को नहीं जानते हैं तो क्या आप अपने शरीर को भी जानते हैं? और हाँ, तो कितना सही जानते हैं? तो आइए इस स्वयं को जानने की सुखद अनुभूति की अभूतपूर्व शुरुआत करते हैं अपने स्वयं के स्थूल शरीर से, जिसको आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में मानव का भौतिक शरीर या फिजिकल बॉडी ऑफ ह्यूमन की संज्ञा दी गई है। वैसे तो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग का कार्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, पर शुरुआत में हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे मानव शरीर के वैसे अंगों पर जिनके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। या सूक्ष्म स्तर पर बात करें तो ये अंग प्राण वायु की सूक्ष्मतम ऊर्जा को जीवन के रूप में परिलक्षित कर रही है। लिवर, जिसे हिंदी में यकृत और जीव विज्ञान या तकनीकी रूप से हेपर के नाम से जाना जाता है, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होने के साथ साथ रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करती है। इसलिए इसे केमिकल वर्कशॉप ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। हमारे शरीर में यह 500 से भी ज़्यादा कार्य करती है, जिसको ना तो यहाँ बताना संभव है और ना ही उसको जानने में आपकी अभिरुचि होगी। परंतु आम आदमी को इतना तो अवश्य पता होना ही चाहिए कि जिस वात, पित्त और कफ के बारे में हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं, उनमें से पित्त का निर्माण इसी यकृत के द्वारा किया जाता है और निर्माण के फलस्वरूप यह पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर में संग्रहित हो जाती है। यह पित्त, जिसे अंग्रेजी में बाइल जूस के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर में फैट या वसा का पाचन करना है और इसके बिना फैट या वसा का पाचन संभव नहीं है। इसीलिए लीवर में किसी भी तरह की संक्रमण यानी कि हेपेटाइटिस की अवस्था में चिकित्सक द्वारा वसायुक्त भोजन की मनाही की जाती है। हेपेटाइटिस का नाम सुनकर आप लोगों को घबराना नहीं है, यह एक साधारण संक्रमण की अवस्था है जिसमें यकृत स्वतः ही ठीक हो जाता है। परंतु अगर यह संक्रमण ऑस्ट्रेलियन एंटीजन बी से हो तो ही इसे हेपेटाइटिस बी कहते हैं, जो अत्यंत घातक होती है। यहाँ आप लोगों को यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि स्किन के बाद सबसे शीघ्रतम रूप से पुनः स्वतः ही ठीक होने वाले अंगों में यकृत ही आता है। मानव हृदय पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है, जिसका मुख्य कार्य शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पंप करना है तथा अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों से प्राप्त कर फेफड़ों तक पंप करना है। मानव हृदय के बारे में विस्तार से जानने के लिए अपर कॉर्नर राइट साइड के एंड बटन पर क्लिक करके आप दूसरा चलचित्र देख सकते हैं, ताकि आपको मानव हृदय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। किडनी, जिसको हिंदी में विक्र या गुर्दा बोलते हैं, इसका मुख्य कार्य ऑस्मोरेगुलेशन है और इसी ऑस्मोरेगुलेशन के द्वारा शरीर में मूत्र का निर्माण होता है। स्टोमक या उदर का मुख्य कार्य भोजन को संग्रहित करना है। एसोफेगस से भोजन उदर में आता है, उसके बाद प्रोटीन का यहाँ पाचन होने के बाद भोजन छोटी आंत में प्रवाहित कर दी जाती है, जो कि इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। उदर कार्डियक, बॉडी और पाइलोरस, इन तीन भागों में विभक्त होता है। लंग्स की हम बात करें तो यह हमारे शरीर का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि प्राण वायु हमारे शरीर में लंग्स के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है, जिससे कि हम जीवित रह पाते हैं। बिना प्राण वायु के जीवन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। लंग्स को हिंदी में फेफड़ा या फुसफुस भी कहा जाता है। अब देखते हैं ब्रेन। यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और इसको कुछ शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। ब्रेन के बारे में वीडियो आप राइट साइड एंड बटन में देख सकते हैं। आंत, जो कि हमारे पाचन और अवशोषण का प्रमुख अंग है, यह फर्दर छोटी आंत बड़ी आंत में विभक्त रहता है। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे भोजन का संपूर्ण अवशोषण
आंतों में ही होता है, उसके बाद अपचित या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन हो जाता है। हृदय के बारे में संपूर्ण व्याख्या चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए। और यदि आप ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के बारे में अपने कौतूहल को बढ़ाना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए। आपके समय से ज़्यादा कोई भी चीज़ उपयोग नहीं है, इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद।